मुझे बताएं, आपने कहा था दो किस्से, अभी आपने एक बीज वाला सुनाया। पहले दिन ऐसे हुआ था कि ना पानी थोड़ा सा चला गया ना। यार अब वो मोटर लगवा ली। वेलकम टू पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान जी। अब इनके सर में वो चीज ऐसे बैठ गई, फोन यूज कर रही होंगी, ऐसा पानी नहीं आ रहा, मेकअप कर रही होंगी, ऐसा पानी नहीं आ रहा, मैं बैठा हूँ यार सोए उठ के, यानी ऐसा पानी नहीं आ रहा। पानी आ रहा है भाई, क्या हो गया इतना अपने सर में कर दिया। तो एक काम करते ना, एक बकेट बना के वहां रख देते एक डोंगे के साथ, ताकि इसके वो खत्म हो रिकॉर्ड। तीन चार दफा जब इन्होंने कहा ना, फिर मैं इनको लेके गया, मैंने वो सिंक का मैंने खोला, मैंने ये आ रहा पानी, सुकून हो गया। अब ना कहना। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड्स। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत इनकरेज करते हैं मॉडर्न हेल्थी प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि नहीं करते हैं, और वो काइंड ऑफ चाहते हैं डीप डाउन इनसाइड, वो एक्चुअली फ्रेंड्स तो होते नहीं है बट वो सोशल फ्रेंड्स होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह ना हमेशा तीली लगे, और अच्छा तुमने उसके उसने तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं किए, उसको तो करना चाहिए था, वो तो तुम्हारी बीवी है, इस टाइप का। कभी आपके साथ, नदिया आपसे पहले पूछूंगी, कभी हुआ ऐसा? नहीं नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, फायजा नाम है उसका, और वो मेरी यूनिवर्सिटी मेट थी, अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और वो मुझे हमेशा गाइड करती है। इवन मुझे कभी गुस्सा भी आता है ना, मैं कोई बात भी बताती थी पहले भी, तो वो मुझे हमेशा पॉजिटिव चीज बताती थी। तो बाकी जो मुझे पता है ना, जो मुझे गलत चीज बताने वाली लड़कियां थी मेरी, उनसे उसी वक्त खत्म हो गई थी। रबीका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स, मतलब बहुत रबीका जो हमारे शो में आई, जी जी जी, ओह कितनी क्यूट है वो, हाँ शी इज माय रियली गुड फ्रेंड। तो वो जो है पॉजिटिव चीजें बताते हैं, तो मेरी फ्रेंड्स ये हैं कि मैंने वो ही फ्रेंड्स रखे हैं जो मुझे पॉजिटिव चीजें बताएं। दैट्स ऑसम, दैट्स, यू आर वेरी लकी। व्हाट अबाउट यू एसन? मेरे तो ऐसा सच दुखी कहानी है कि मेरे ऐसा सच कोई फ्रेंड नहीं है, और जितने हैं अभी जो 2-3 साल से बने हुए, मेरी टीम है उसका, टिकटॉक वगैरह इधर उधर भी है, वो एमजे क्रू के नाम से, वो ही दोस्त हैं 5-6। तो ऐसा उन्होंने कभी कोई चीज मुझे कही, कोई सलाह नहीं दी आपको, कुछ नहीं, पॉजिटिव बातें मुझे मेरे लिए बताते हैं। अच्छा, प्रपोज किसने किया, आपने किया, कैसे किया? आई लव टू नो। सिंपली मैंने 2-3 दफा पहले भी बताया था, ऐसा है कि मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने इनसे सिंपली एक बात की थी कि आप वैसे अच्छी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे आपने की थी आपने, नहीं, वो मैसेज पे लिए, वो मैसेज था, मैसेज था, मैसेज था, और बाद में कॉल थी, सोशल मीडिया पे मिले, यू प्रपोज्ड ऑन एसएमएस, व्हाट? नहीं ऐसे नहीं किया, हाउ डेयर यू, फिर बता बता, नहीं यही तो इनकी अच्छी चीज है कि इनकी कोई स्पेशल कोई डिमांड रिक्वायरमेंट नहीं थी, नो फूल, नो म्यूजिक, नो बैंड। अब मैं फूल लेती रहती हूँ डेली। रिवेंज स्पीच बहुत, और इनका ये भी, मैं गुलाब अक्सर इनकी, इनको पसंद है, मैं ला देता हूँ जब भी ये आती है लाहौर या, लेकिन कहेंगे ये छोटे वाला मुझे बड़े वाला चाहिए। अच्छा सुनो, अब तुम थोड़ा फ्री हो रही हो मेरे ख्याल से, बेचारा एक तो दे रहा है तुम्हें फूल, थैंक यू कह के खुश हो जाओ। अच्छा मुझे बताओ, तुम दोनों गाते हो ना, एक दूसरे के लिए कुछ गा के प्लीज मुझे सुनाओ। ये अच्छा गाते हो, ये बहुत अच्छा गाते हो। मैं देखो मैं गाती रहती हूँ, मुझे भी तो कोई सुनाए। मैंने अभी गाना जो है मेरा भी आया था जादू टोना, उसी की लाइन सुना दो या कोई और सुना दो जो आपका दिल। मैं दिल दिया गल्ला तेरे नाल कर ला, मैं चल दिया सावा तेरे ना कर दा, बस अभी मैं इतना ही गा सकती हूँ। मुझे I like it, it's very nice, it's got like एक that singer ने मुझे बोल दिया है, thank you। इसकी tune अभी मैंने पूरा नहीं सुना है, but अच्छी tune लग रही है, राहत फतेह अली खान style, thank you, you know, very nice, very nice, please अपना शौक नहीं छोड़। अभी मैं एक और गाना कर रही हूँ इंशाल्लाह, आज रिकॉर्डिंग पे जाने आपके शो के बाद, भाई के साथ, blessing, thank you, thank you। अच्छा आपके क्या मशागिल हैं टिकटॉक और इसके अलावा, शादी के अलावा? मेरी एक्टिविटीज पूछ रही है जी, मैं वैसे मेरी अपनी कंपनी है, पीआर कंपनी ना, मार्केटिंग वायरल ट्राइब के नाम से, ओके, मैं वो चला रहा हूँ, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया वगैरह हैंडल कर रहा हूँ। ओह, सो यू हैव अ कंपनी जो दूसरे टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर्स का हैंडल करती है, और जितने भी हैं बीच में कुछ सेलिब्रिटीज भी आते हैं, हम हैंडल नहीं कर रहे बेसिकली उनको, हम लोग कैंपेन्स देते हैं
कुछ जो वर्क रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना वो करवाते हैं हम लोग। really बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया अपने एक दो दोस्तों के साथ। हमारा आइडिया था पहले, हम सोचते थे दो साल पहले जब हमने शुरू किया था, हाँ। मजाक करते थे एक दूसरे से, हम कंपनी बनाएंगे, हाँ। ये करेंगे वो करेंगे, हाँ। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसे था कि वो वाकई आज वो चीज़ होगी। नो आई एम ग्लैड यू डिड बिकॉज माय ब्रदर हसन रिज़वी ही ओन्स BBPR जो पाकिस्तान की नंबर वन PR कंपनी है, तो इसी ने भी ऐसे ही शुरू किया था कि करते हैं और देखते हैं और माशाल्लाह कहाँ से कहाँ वो ले गया। बट मेहनत करना जरूरी है और डेडिकेशन सिंसियरिटी जरूरी है। अच्छा लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे बताएं कि जॉइंट फैमिली, बंदा अकेले होता है ना या तो बोर हो जाता है, अब कुछ काम होगा या कोई भी चीज होगी ना, आपकी जेठानी भी आपके पास है, आपकी मदर इन लॉ भी आपके पास है, कोई चीज होती है, कोई काम होता है तो आप कर सकते हैं आराम से, मिल बांट के हो सकती है चीज़, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। ओके सो दैट्स नाइस, नॉट मेनी गर्ल्स एक्चुअली मजा आता है लाइक जॉइंट फैमिली नाउअडेज़। सो आपका क्या ख्याल है कि जरा सा मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रही हूँ क्वेश्चन कि आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं जो नहीं रहना चाहती, क्या ये आपके ख्याल में गलत है? मैं कहूँगी ये उनकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहती तो आई डोंट नो कि वो क्या सोचती हैं, लेकिन मैं, मेरा ये नेचर है या मेरा ये है कि साथ अगर कोई होगा ना तो वो मेरे ही काम आएगा, एक और एक 11 जिसे कहते हैं। अकेले मैंने देखा मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी। मैं अपने भी घर में रहती थी तो मेरी बहन नहीं आएगी ना या भाभी नहीं होंगी तो मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे, मेरा ये नेचर है कि यार मैं क्या करूँ, 10 मिनट फोन यूज कर लिया, 15 मिनट फिर मैं बोर हो जाती हूँ, जिससे मैं बातें करूँ। मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, दोनों भाभियां, 6 बच्चे, माशाल्लाह इतना भरा भरा खुशगुजर रहता है। आपके क्या ख्याल है? मेरा इसमें यही है, स्टार्ट में यहीं से लूँगा कि हालांकि मैं खुद सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ना जो इम्पैक्ट पड़ा ना, चाहे लड़का और लड़की हो, वो हो गया है कि इंडिपेंडेंट रहना, और मतलब मैं हूँ, मेरे साथ ये इधर क्यों बैठी है, ये चाहे मदर इन लॉ हो या कोई भी हो, मेरी एक प्राइवेसी होनी चाहिए। वो चीज़ को इतना इन्होंने सर पे अपने बिठा लिया, इनको ये नहीं पता कि एंड में आना वही ट्रेडिशनल, वही अपने जो अम्मी अबू जो हैं उनके साथ ही वैसे ही चलना है। ये ना घर में किसी को फर्क पड़ेगा, हाँ। ना बाहर किसी को फर्क पड़ेगा, हाँ। वो जो इंसान है वो लड़का और लड़की, उसका खुद को फर्क पड़ेगा, हाँ।